हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर इलेवन और एग्जाम्पल नंबर इलेवन में ये डायग्राम आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं क्लियरली इसमें बहुत अच्छे से यहाँ पे बना हुआ है और मैंने यहाँ पे कॉपी में भी बनाया है देखिए इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला गया है अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर फिफ्टीन पॉइंट टू वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट इट क्रैश इन साइड द लेक शोन इन द फिगर मतलब इसको सिंपल से मैं समझाती हूँ क्या बोला गया ये आपके पास एक आप, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ पेड़ टाइप के बने इस, इसका मतलब एक जंगल टाइप का ये कुछ है आपका एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया है इज़ रिपोर्टेड टू हैव और वो कहाँ पर जाके रिपोर्ट हो रहा है कहाँ पे जाके गिर रहा है मतलब क्रैश हो गया है वो गिर मिसिंग है और वो कहाँ पर क्रैश हो रहा है इस कहीं यहाँ कहीं एरिया में इस जंगल में मतलब समवेयर समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन एक रेक्टेंगुलर रीजन है अब वो रीजन क्या है आपके पास मे बी कोई एक बड़ा सा रीजन है जहाँ पे आपको इस तरीके से ये दिख रहा है तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर आकर आका का गिर गया है क्रैश हो गया है ठीक है इस फिगर में जो कि आपको दिख रहा है अब यहीं कहीं पर वो है अब इस पूरे रीजन में रेक्टेंगुलर रीजन में एक साइड में एक लेक बनी हुई है ठीक है तो वो कह रहे हैं कि अब हमें पता नहीं कि इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में हेलीकॉप्टर कहाँ पर गिरा है अब आपको पूछा ही गया है कि वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट इट क्रैश इन साइड द लेक शोन इन द फिगर क्या प्रोबीबिलिटी हो सकती है मतलब क्या संभावना ऐसी हो सकती है कि आपका हेलीकॉप्टर इस लेक के पर गिराओ इस पर क्रैश हुआ मतलब इसके ऊपर गिरा हो ठीक है जैसे आया और यहाँ पे आके रुक गया हो तो यहाँ पे वो क्रैश हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए एक तो आपके पास ये हमारी संभावना है हमारी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि लेक पे गिरेगा लेकिन ऐसा तो नहीं है अगर हम क्वेश्चन हमसे ये पूछा नहीं जाता तो हमसे तो बस इतना पूछा कि आपका एक हेलीकॉप्टर आया और वो यहाँ पे कहीं पे मिस हो गया तो यहाँ पे मिस होने का मतलब इस पूरे रीज़न में कहीं पे भी मिस हो सकता है तो ये जो पूरा जो हमारे पास चीज़ें है कि वो कहाँ पे गिरा है इसका मतलब ये पूरा रीजन है इस पूरे रीज़न का आपको एरिया पता होना चाहिए सेकेंड थिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लेक पे गिरा उसकी प्रोबेबिलिटी बताई कि क्या संभावना होगी कि वो लेक पे गिरेगा तो हम यहाँ पे सिर्फ लेक का जो ये लेक दिख रही है इसका एरिया निकालेंगे लेक पे गिरने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम लेक का एरिया निकालेंगे और टोटल आउटकम्स के लिए हम हमारे पास इस पूरे रीजन का हमें एरिया निकालना होगा तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालते हैं देखिए ये मैंने यहाँ पे बनाया है और ये डायग्राम कुछ खास नहीं बना है बट समझने के लिए काफी है तो इस डायग्राम में आप देखेंगे इस रेक्टेंगुलर रीजन का पहले हम एरिया निकालते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ एंटायर रीजन ठीक है एंटायर रेक्टेंगुलर रीजन ठीक है इस पूरे का क्योंकि इस यहीं पे कहीं पे आपका एरोप्लेन गिरने वाला है तो इसके लिए एरिया के लिए रेक्टेंगुलर का आपको पता है रेक्टेंगल शेप में है तो क्या होता है एल इंटू बी होता है तो हमारे पास एल कितनी है यहाँ पे नाइन किलोमीटर है रेक्टेंगल की है ना ये रेक्टेंगल के लिए है इसकी लेंथ कितनी है एल नाइन किलोमीटर एंड इसकी विर्थ आपको दिख रही है यहाँ पे ये देखो ये वर्थ होती है और ये पूरी लेंथ है आपके पास वर्थ कितनी है इसकी फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर कम अज़ कम एरिया निकालते हैं फोर पॉइंट फाइव इंटू नाइन ठीक है और तो कितना हो जाएगा आपके पास फोर्टी पॉइंट फाइव इसको मल्टीप्लाई करेगा तो फोर्टी पॉइंट फाइव आ जाएगा ये भी किलोमीटर था ये भी किलोमीटर था तो किलोमीटर किलोमीटर में था यूनिट क्या बन गई किलोमीटर स्क्वायर ठीक है तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया अब हमारे पास ये हमारा एक तरफ से रेक्टेंगुलर का एरिया अकॉर्डिंग टू मैंसूरेशन आप कह सकते हैं बट हमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़े तो ये हमारा टोटल आउटकम्स आया है आप ऐसा समझेंगे कि हमारा टोटल आउटकम्स है ठीक है देन देखिए नेक्स्ट इसमें ये फिगर आप देख सकते यहाँ पे भी इसी तरीके से ये निकाला हुआ है, है ना अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपके पूछा है कि क्या प्रॉबीबिलिटी होगी कि आपका वो लेक में गिरे तो हमें एरिया ऑफ लेक भी पता होना चाहिए तो एरिया ऑफ लेक निकालेंगे अब हम एरिया ऑफ लेक लेक का एरिया अब लेक का एरिया के लिए आपको पता देखिए कैसे निकालेंगे लेक के एरिया के लिए भी आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना आपके पास लेंथ भी पता होनी चाहिए और वर्थ भी पता होनी चाहिए तो देखिए ले, लेक जो यहाँ पे बनाए हमें ये इसकी लेंथ हो जाएगी जहाँ पे मेरा रेड पेन जा रहा है और ये इसकी विर्थ हो जाएगी ठीक है ये आपके पास वर्थ हो जाएगी और ये इसकी लेंथ हो जाएगी तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी ये तो हमें गिवन ही नहीं है तो लेंथ निकालना हमने ये छोटी क्लासेस में सीखा है ये पूरा डिस्टेंस नाइन है है ना ये दिख रहा है आपको पूरा नाइन जहाँ पर मेरा हाथ है नाइन किलोमीटर और यहाँ पर ऊपर देखिए ये आपके पास सिक्स किलोमीटर है ये सिक्स किलोमीटर बस यहीं तक है ओके ये यहीं तक है बस लेक तक का तो इस पूरे नाइन में से अगर सिक्स को माइनस करूँगी तो ये लेंथ आ गई आपके पास थ्री थ्री किलोमीटर लेंथ निकल गई अब बचती है ब्रथ ब्रर्थ भी आप ऐसे निकाल देंगे देखिए ये कितने है पूरा फोर पॉइंट फाइव इस पूरे फोर पॉइंट फाइव ये फोर पॉइंट फाइव है तो ये भी पूरा फोर पॉइंट फाइव होगा है ना ये वाला पार्ट भी पूरा फोर पॉइंट फाइव होगा इस पूरे फोर पॉइंट फाइव में से ये भी पूरा फोर पॉइंट फाइव होगा इस पूरे फोर पॉइंट फाइव में से इस टू को मैं माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास फोर पॉइंट फाइव में से हम इस टू को माइनस करेंगे तो इस पूरे में से इतना पार्ट ये पूरे में से अगर इतना पार्ट माइनस हो गया ये वाला पार्ट माइनस हो गया तो बचेगा कौन सा ये वर्थ वाला पार्ट तो ये कितना आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव में से आप टू माइनस करके देखिए ये आपके पास होगा टू पॉइंट फाइव 2.5 किलोमीटर ओके तो हमारे पास एरिया ऑफ लेक के लिए लेंथ भी आ गई लेंथ कितनी है इसकी एल इन टू भी होती है तो फॉर लेक लेंथ कितनी निकली थी हमारी थ्री किलोमीटर देख सकते हैं आप डायग्राम में है ना, एंड विड्थ कितनी निकली थी हमारे पास टू पॉइंट फाइव किलोमीटर ठीक है तो यहाँ पे हम रखते हैं थ्री किलोमीटर लेंथ है फिर्थ है हमारे पास टू पॉइंट फाइव किलोमीटर तो ट्वेंटी फाइव थ्री जो सेवेंटी फाइव होता है देन डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे एक वन डिज़िट के बाद से पहले आपका डेसिमल यहाँ पे पुट करेंगे आप पुट कर देंगे आप किलोमीटर किलोमीटर कितना हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ लेक आपके पास आ गया अब हमारे पास हमें यही बताना है कि हेलीकॉप्टर आपका यहाँ पे क्रैश हुआ लेक में क्रैश हुआ है तो हमारे पास फेवर में कितने हैं सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर स्क्वायर और टोटल कितने हैं फोर फोर्टी पॉइंट फाइव तो यहाँ पे इसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपके पास हेलीकॉप्टर आप लिख सकते हैं ऐसे क्रैश इन लेक इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले कि ऐसी प्रोबेबिलिटी वो संभावना जो आपकी हेलीकॉप्टर की लेक में गिरने की है तो कितना हो जाएगा फेवरेबल फेवरेबल कितना है सेवन पॉइंट फाइव मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ डायरेक्ट कर रही हूँ अपॉन टोटल आउटकम टोटल कितना है फोर्टी पॉइंट फाइव तो देखिए डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया सेवेंटी फाइव अपॉन फोर्टी फोर हंड्रेड फाइव को आप रिड्यूस करेंगे अगर हम इसको करते हैं किससे करें ट्वेंटी फाइव से करें करे? या फिर आप फाइव से कर सकते हैं देखिए फाइव फाइव से करें ट्वेंटी फाइव से कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव या फ़िफ्टीन से करते हैं ठीक है फ़िफ्टीन फाइव जै फाइव होता है फ़िफ्टीन फाइव जै सेवेंटी फ़ाइव एंड फिफ्टीन टू ज थर्टी ठीक है थर्टी देखिए इसको करके देख लीजिए फिफ्टीन फोर फाइव को ये आपके पास ट्वेंटी सेवन जाएगा बट मैं आपको करके दिखाती हूँ फिफ्टीन टू ज थर्टी देन ये वन हंड्रेड फाइव होगा वन हंड्रेड फाइव फिफ्टीन के टेबल में सेवन टाइम जाता है ठीक है तो ये आपके पास रिड्यूस हो गया ट्वेंटी सेवन टाइम्स तो फाइव वन ट्वेंटी सेवन आप देखिए फाइव वन ट्वेंटी सेवन आगे तो रिड्यूस नहीं हो सकता तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया तो एग्ज़ाम्पल नंबर नाइन इलेवन हमारा कंप्लीट हो गया है और वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है अब हम एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग